जिले के इस खास बुलेटिन में दीक्षा आएगी। रुक करते आज की इस खास खबर पे। जिला हमीरपुर माता टोनी देवी का इतिहास। जी हाँ, लगभग 300 साल पूर्व जब मुगलों का शासन हो गया था तो उन्होंने राजपूतों की महिलाओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और राजपूतों का जनेऊ उतार कर धर्म परिवर्तन करवाने लगे। तो चौहान वंश के 12 भाइयों ने अपनी इकलौती बहन जिसे सुनाई नहीं देता था उनके साथ इस पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में शरण ली थी ताकि अपने धर्म और अपने परिजनों की रक्षा कर सके। परिवार के मुखिया ने बाकर खड, कुनार खड, पुंग खड के केंद्र पर अपना घर बनाने की योजना बनाई मगर जिस स्थान पर आधारशिला रखी गई वहां पर खून की धारा निकलने पर सब अचंभित हो गए। इस पर परिवार के मुखिया ने कुल पुरोहित से मशवरा लिया जिस पर कुल पुरोहित ने घर की कुंवारी कन्या को दोषी बताया। घर की महिलाओं ने माता टोनी देवी पर आरोप लगाया जिससे नाराज होकर माता ने इस स्थान पर घोर तपस्या की और आषाढ़ मास के 10वें प्रविष्टि को माता अंतर ध्यान हो गई। उसी की याद में उसके भाइयों ने इस जगह पर एक चबूतरे की स्थापना की जो आज भव्य मंदिर का रूप धारण कर चुका है। माता की याद में यहाँ हर वर्ष मेले का आयोजन होता है। नवरात्रों में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। माता टोनी देवी चौहान वंश की कुल देवी है और माता के दरबार में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों से भी चौहान वंश के लोग दर्शन करने आते हैं। 1986 से यहाँ एक कमेटी भी गठन हुआ है जो यहाँ पर श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य हर प्रकार की सुविधा का प्रबंध करवाती है। माता को सुनाई नहीं देता था इसलिए यहाँ जो भी मन्नत मांगता है यहाँ रखे पत्थरों को आपस में टकराता है जिससे उनकी आवाज माता के कानों तक पहुँच जाए और उनकी मन्नत पूरी हो जाए। यहाँ जो भी सच्चे मन से माता से मन्नत मांगता है माता उसकी हर मुराद पूरी करती है। जिला रिपोर्टर रतन चंद ने यहाँ की मंदिर कमेटी के वरिष्ठ लोगों से बातचीत की। इस मौके पर मंदिर अध्यक्ष सरवन चौहान, महासचिव सुरेश शर्मा, प्रेस सचिव राजीव चौहान, मुख्य सलाहकार प्रेम डोगरा, वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर सिंह और विशेष आमंत्रित सदस्य तिलक राज उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि चौहान वंश के लोग किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले टोनी देवी माता को निमंत्रण देते हैं। देखिए हमीरपुर से रतन चंद की रिपोर्ट। ये देखिए हमने खान बाबा की मूर्ति है। देखिए उनका नाम भी पवन आइए अभी और दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर जय बाबा बालकनाथ, ये बाबा बालकनाथ जो का मूर्ति है। आइए आपको और जगह दिखाते हैं। आइए हमारे साथ देखिए कितना सुंदर नजारा है, कितना अच्छा मंदिर है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए शनिदेव महाराज की मूर्ति है यहाँ पर शनिवार से लेकर, लेकिन आज हम आपको दिखा दें कि लॉकडाउन के दौरान ये पूरा मंदिर सुनसान पड़ा हुआ है। ना कोई आदमी आता है अभी, ना कोई श्रद्धालु आता है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर सब कुछ बंद पड़ा है। आइए हम अब आपको ऊपर लिए चलते हैं। आइए ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर देखिए टोनी देवी का बाजार पड़ता है। आपको देख रहे हैं चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये टोनी देवी का बाजार है। आइए अभी हम और आपको मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। ये देखिए अभी हम ऊपर की मंदिर में आ गए हैं। ये देखिए सामने हनुमान जी की मूर्ति है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भोले शंकर की मूर्ति है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये नंदी महाराज की मूर्ति है। अब आप देखिए बाजार का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे।
कैमरामैन को हम दिखाइए बाजार का। ये टोनी देवी का बाजार है, आप देख सकते हैं सामने हर जगह सुनसान पड़ा हुआ है। देखिए पूरा बाजार सुनसान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं हर जगह जी। धन्यवाद। हार्ट न्यूज इंडिया के दर्शकों को नमस्कार। अभी मैं हूँ हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर टोनी देवी के एक बहुत ही खास मंदिर में। यहाँ मेरे साथ यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं, आइए उनसे इस मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? सुरेश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी मंदिर कमेटी टोनी देवी जी। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो टोनी देवी मंदिर है, इस मंदिर का टोनी देवी नाम क्यों पड़ा? इस मंदिर का नाम टोनी देवी इसलिए पड़ा कि ये टोनी देवी जो थी, ये 12 भाइयों की इकलौती बहन थी जी। और इसे कानों में सुनाई नहीं देता था जी। इस करके इस मंदिर का नाम टोनी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ जी। सर आप बताइए आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरपंच चौहान है जी। दान मंदिर कमेटी का जी। सर आप इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं मंदिर के इतिहास के बारे में बात करूं तो ये लगभग 325 वर्ष पुराना मंदिर है और माता टोनी देवी जो है वो चौहान वंश की कुल देवी है। चौहान वंश में जब भी किसी बड़े बेटी या बेटी की शादी होती है जी। तो ये मान्यता है कि यहाँ सबसे पहले जो निमंत्रण है वो माता टोनी देवी को दिया जाता है और बहुत दूर दूर से यहाँ दिल्ली, पंजाब, कालका, चंडीगढ़ से श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगने यहाँ पे आते हैं और मन्नत पूरी होने पर वो पूरे परिवार सहित माता टोनी देवी के यहाँ आते हैं और यहाँ मंदिर में विवाह शादियों का भी प्रचलन है। यहाँ दूर दूर से लोग शादियाँ करने भी आते हैं और यहाँ नवरात्रों में हर वर्ष जो है वो भंडारा किया जाता है। शुरू में मंदिर का छोटा सा स्ट्रक्चर हुआ करता था, बाद में यहाँ के लोकल टोनी देवी क्षेत्र के 5-7 गाँव हैं यहाँ हुए और उन्होंने विचार किया कि जो इस मंदिर का विकास किया जाए और एक लगभग 1986 के करीब मंदिर कमेटी का गठन हुआ और तब से लेकर आज तक जो आपको ये सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये मंदिर कमेटियों ने ही पूरा विकास कराया और यहाँ से विशेषकर 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का भी यहाँ विकास में अहम योगदान रहा है। बस यही मंदिर कमेटी का। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी लॉकडाउन तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या अभी आपके मंदिर में श्रद्धालु आते हैं? लॉकडाउन में सरकार ने मंदिर तो पूरी तरह बंद रखे हैं, मंदिर को ताला लगाया है जी। आजकल मंदिर का वो काम भी चला है इसलिए श्रद्धालु लॉकडाउन में कम ही आते हैं। अदरवाइज लॉकडाउन जब नहीं था तो श्रद्धालुओं की यहाँ बहुत भारी भीड़ रहती थी। आजकल लॉकडाउन के इस दौर में यहाँ जो हॉस्पिटल है टोनी देवी का, उसे कोविड केयर सेंटर बनाया है तो जो कोविड की वैक्सीन है वो मंदिर में लग रही है और एक OPD भी चलेगी। जब वो पूर्ण रूप से कोविड सेंटर जो टोनी देवी का हॉस्पिटल बन जाएगा तो एक OPD भी हमने यहाँ एक हॉल OPD के लिए दिया है ताकि यहाँ इलाके के जो लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ ही मिलेगी जी। धन्यवाद।